ठीक है बेटा, अब ऑल स्टूडेंट अपना माइक ऑफ रखेंगे, अपना वीडियो ऑफ रखेंगे। लास्ट के 5 मिनट में आपको जो भी पूछना है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम निशा शर्मा फ्रॉम आदर्श पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टुडे यूनिट इज 10.2। पेज नंबर 106। ऑल स्टूडेंट अपना माइक है वो ऑफ रखेंगे एंड आपका जो वीडियो है वो भी ऑफ रखेंगे। Fill in the blanks. अभी आपको ऑल स्टूडेंट को जो वर्क है वो आपको अपनी बुक में फिल करना है बेटा। Fill in the blanks. यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम यानी कितना, कितनी उसमें आइटम है, कितनी चीजें हैं। बेटा अभी तो आपकी बुक में फिल करो, उसके बाद में आपको नोटबुक में फिल करने है ये, ठीक है। टोटल आइटम अब फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 कितने फ्लोर बने हैं, 6 है इसमें। वन ग्रुप में कितने हैं, 6। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही बेटा, आवाज आ रही है ना? मैम धीरे आ रही है। मैम आ रही है। देखो बेटा आप अपने मोबाइल को चेक करो एक बार। अब इनको ग्रुप को काउंट करो कि कितने ग्रुप है टोटल। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप, तो कितने ग्रुप बने हैं, 1 2 एंड 3। कितने ग्रुप बने हैं अपने, 1 2 एंड 3 ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्रुप, तो क्या आ जाएगा अपना, 3, ठीक है। अब पूछा है नंबर ऑफ आइटम यानी एक में जो ग्रुप है उसमें कितने फ्लोवर है या कितने आइटम है, कितना ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6। अब उसने पूछा है कि टोटल आइटम यानी टोटल ये कितने हुए, तब क्या करेंगे हम, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 6 की टेबल को आप 3 बार रीड करोगे तो क्या आएगा, 6 3 18। तो यहाँ लिखा मैंने 18, और आप इनको ऐड करके देखोगे टोटल को तो अभी कितने आएंगे अपने, 18, यानी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, 18। अब सेकंड वाले में जो जग है या जार बने हुए हैं
वो कितने हैं टोटल? वन ग्रुप में ग्रुप कितने बने हैं काउंट करके देखो, 1 2 3 4, कितने ग्रुप है टोटल? यहाँ पे 4 ग्रुप है, कितने ग्रुप है? 4 ग्रुप है। तो वन ग्रुप में कितने है वो काउंट करके देखो बेटा, वन ग्रुप में कितने बने हैं वो देखो। तो 1 2 3 4 5 6 and 7 ग्रुप कितने बने हैं अपने? 4। तो यहाँ पे लिखा 4 और वन ग्रुप में कितने हैं, कितने जग बने हैं वो, या कितने जार बने हैं? तो अपने कितने बने उसमें? 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ आइटम 7। अब इनको टोटल प्लस करना है, यानी कितने टोटल कितने आए। तो 7 की टेबल को आप 4 बार रीड करो, या आप 4 की टेबल को 7 बार रीड करोगे तो कितना आ जाएगा? 28। तो ये आपकी मैम, यस बेटा मैम, ये नीचे जो आप नंबर लिखा रही हो, ये मेरे को लिखना है क्या? हाँ जी बेटा, ये बुक में लिखने हैं आपको, नंबर दे रखे हैं बुक में फिल करने हैं आपको। और ये जो नीचे नंबर है वो मेरे को लिखने हैं? हाँ जी आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको ये क्वेश्चन अभी तो आपको बुक में फिल करना है, उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में इसको देख के पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब अपना क्वेश्चन नंबर है सेकंड, फर्स्ट कंप्लीट। कोई बात नहीं है, मिठाई क्यों है? ऐसा मिटाना नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर कंप्लीट द टेबल्स, ठीक है। ये वाला मैंने वर्कशीट में कल आपको डाले थे, वही सेम नंबर है। ऑल स्टूडेंट को 2 से 10 तक जो टेबल्स है वो सब बच्चों को लर्न करनी है, क्योंकि जब आपको टेबल्स लर्न होगी तभी हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पे लिखा है 5 × 7, यहाँ पे ब्लैंक है, उसके बाद में 35 आ गया अपना, ठीक है। 7 × 1 = यहाँ पे आपको जो बॉक्स है उसमें आपको फिल करने हैं, ठीक है। 2 × 2, 1 × यहां आ गया आपका 6, 2 × = 16, ठीक है। अभी पहले अगला अपना 2 × 10, फिर यहाँ पे, अब इसमें आपको यहाँ 35 आया, तो उसने ऐसे कहा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें, जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा? 35। तो 5 की टेबल को हम रीड करेंगे कि 5 की टेबल में 35 कौन से नंबर पे आ रहा है, तो किस पे आएगा? 5 × 7 = 35। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना? 7। उसके बाद में 1 की टेबल को 7 बार रीड करते हैं तो क्या आएगा? 7। 2 की टेबल को 2 बार, 2 × 2 जा कितने होते हैं? 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 4। यहाँ पे क्या है अपना? यहाँ ब्लैंक कर रखा है और आंसर में क्या आ गया? 6 आ गया। अब ये देखना है कि ऐसे कौन से नंबर से इसको 1 को मल्टीप्लाई कर किया गया है कि हमारा आंसर क्या आएगा? 6 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 6, यानी 6 × 6 = 6। अब 2 में यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ नंबर नहीं दे रखा आपने। अब इस ब्लैंक में अपने को नंबर राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना? 8। 16 या 8 2 जा भी कितने होते हैं अपने?
16. अब यहाँ पे 10 की टेबल को कितनी बार रीड करेंगे? 2 बार. 10 टू जा 20, या 2 की टेबल को 10 बार रीड करेंगे, वही अपना सेम नंबर आएगा. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 20. अब अपना इसमें ही ये फर्स्ट वाला इधर. अब ये देखो नीचे इसके 5 मल्टीपल, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, बॉक्सेस बना है, और आगे आंसर क्या अपना? 40. तो 5 को ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर अपना क्या आएगा? 40. तो 5 8 जा 40. तो आप जो टेबल्स है 2 से लेकर 10 तक टेबल्स है, उनको राइट करके अपनी साइड में रखो, और उसके बाद चेक करो कि कौन किसको हम किससे मल्टीप्लाई करते तो हमारा नंबर आ रहा है. तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना? 8. 6 मल्टीपल 5. तो बोलने को अब भाई जो भी अपना माइक है वो ऑफ करो भाई, इसमें नाम नहीं आ रहा है. पतंगा का नहीं पढ़ रहा, देख ली फोन. अब देखो इसमें 5 की टेबल को कितनी बार रीड करना है? 6 बार. तो 5 6 जा कितने आएंगे? 30. फिर 3 मल्टीपल 5, तो 5 3 जा 15, और 3 5 जा भी कितना आएगा अपना? 15. तो यहाँ क्या आएगा इस बॉक्सेस में? यस बेटा, अभी बुक में फिल कर लो, उसके बाद इसको देख के आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है. ले यहाँ पे आपका बॉक्स बना है, फिर यहाँ मल्टीपल का साइन है, उसके बाद में 4. अब ये लिखा आंसर अपना क्या आ गया? 20. अब ये देखना है कि 5 को मैम आप जो लिख रही हो वो दिखाई नहीं दे रहा. लाओ बेटा यहाँ से नहीं दिख रहा क्या? बस है ना, यहाँ लिख देते हैं. यस बेटा, आप क्या कर रहे हो? आप पेज नंबर 106 ओपन करो बेटा, पेज नंबर 106 पे 5 मल्टीपल 4, ठीक है? अब 5 को 4 से मल्टीपल किया 20. तो यहाँ हमें नंबर करना है कि 4 को किससे मल्टीपल किया. माइक ऑफ रखो प्लीज आप अपने सारे. ऑल यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 5. फाइव मल्टीपल 5, यानी 5 की टेबल को आप 5 बार रीड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 5 जा 25. तो यहाँ हम लिखेंगे 25. फिर 5 2 5 मल्टीपल 2, तो ये आ गया अपना 10. फिल किया आप लोगों ने बेटा? अब अपना है पेज. अब आप लोग ये तो आपका वर्क हो गया आपकी बुक में, अभी अब आप लोग अपनी नोटबुक ओपन करो, एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लाई है वो हम सीखेंगे, ठीक है? ये आपका बुक वर्क हो गया कंप्लीट पेज नंबर 106 पे. पेज नंबर कौन सा निकाल रहा है?
अभी आपका पेज नंबर 6 तो कंप्लीट हो गया बेटा, अभी आपको अपनी नोटबुक ओपन करनी है। ओ स्टूडेंट को ये बुक वर्क है वो कंप्लीट हो गया आपका। नोटबुक ओपन करनी है? यस बेटा। टीवी बंद करते, क्लास चालू हो रही है। हाँ तो मैं माइक ऑफ करो बेटा। अब यहाँ डालो अपनी बुक में, नोटबुक में डालो बेटा ये वाला। अभी हुई है क्या? पहले से हो रहे क्या? सौम्या माइक ऑफ करो। माइक ऑफ करो बेटा। दिखाई नहीं तो बीच बीच में वीडियो तो आपको बंद करना है और माइक को म्यूट करो बेटा। जो आपको लिखवाया जा रहा है वो आप अपनी नोटबुक में राइट करो, ठीक है? लिखा आप लोगों ने? चलो फर्स्ट वाला करते हैं। अभी आपको जो 3 की टेबल्स है उसको, 3 की टेबल को आपको कितनी बार रीड करना है ये देखो। चलो राइट करो आप लोग पहले। मैम। यस बेटा। आई के आगे क्या है? ये पी है बेटा, पी, ठीक है ना? हाँ। अब यहाँ पे ये देखो 3 की टेबल को आपको कितनी बार रीड करनी है? 3 बार। ऑल स्टूडेंट अपने पास में जो टेबल्स है उसको राइट करके लिखे रखेंगे, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई को करेंगे। 3 की टेबल को 3 बार रीड करेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना आंसर? 9। अब 3 की टेबल को ही आपको कितनी बार रीड करना है? 6 बार। तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। पिता आप अपना माइक ऑफ रखो बेटा। अब आपको 2 की टेबल ऑल स्टूडेंट को आती है कि 2 की टेबल को अगर हम 2 बार ही रीड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 2 जा 4। उसके बाद 2 की टेबल को 6 बार रीड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा, यानी 6 नंबर पे जब हम टेबल लिखते हैं 2 की, तो 6 नंबर पे कौन सा नंबर आता है वो हमें यहाँ पे यहाँ पे क्या आ गया अपना 12। अभी 3 की टेबल आपको कितनी बार रीड करनी है? 2 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9। हेलो मैडम, इनका वीडियो बंद करवाइए, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो तो क्यों नहीं है? ये माइक ऑफ करो और वीडियो ऑफ करो भाई। देविक वीडियो ऑफ करो बेटा। ठीक है, आप देखो टू, हम किसी से किसी भी नंबर को 0 से मल्टीपल करते हैं तो आंसर इसका हमेशा क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे देखो नंबर क्या है अपना? 0 है। अब 2 की टेबल अगर 0 बार रीड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमेशा अपना?
जीरो ही आंसर उसका आएगा। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई नंबर दिया जाता है ऊपर जीरो लिखा दिया तो आप हमेशा उसका आंसर क्या लिखोगे, जीरो। अब टू की टेबल को आपको फोर बार रीड करना है, टू फोर जा एट, तो यहाँ हम लिखेंगे एट। थ्री की टेबल को थ्री बार रीड करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, उसके बाद में थ्री थ्री जा नाइन। अब फाइव की टेबल को वन बार रीड करेंगे, फाइव वन जा फाइव, तो यहाँ अपना आंसर आ गया फाइव। और फाइव की टेबल को जब थ्री बार रीड करेंगे तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ये आंसर आ गया अपना फिफ्टीन। तो ये मल्टीप्लिकेशन है जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। सो मैं वीडियो बेटा ऑफ कर लो और कंप्लीट करो अपना वर्क। सॉरी आप भी बेटा वीडियो ऑफ करो, जो क्लास वर्क दिया है उसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करो बेटा। मम्मी मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा सबको बोल दिया अपने वीडियो ऑफ कर लो, तो सबको पता है कि ऑनलाइन पढ़ना अपने को। ये कंप्लीट हुआ बेटा, ये कंप्लीट कर लेना, उसके बाद एक वर्कशीट भेज दी जाएगी, वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। मैम मेरे को मेरी मैथ की मिल नहीं है। बेटा क्लास ओवर हो गया, क्लास अर्पित कंप्लीट योर वर्क बेटा। मेरे को यस मैम, मम्मी अब डन। हाँ ओके बेटा, ओके बेटा ओके, अपनी नोटबुक चेक करवा लेना बाद में ना।